हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम के रिवीजन सीरीज़ में ये फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके पहले जो दो वीडियोस बनाया उसमें मैंने शुरू के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिफ्थ क्वेश्चन एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए हम 16 को पावर नोटेशन में लिखना है। 16 कैन बी रिटन एज 2 to the power 4 -6 into 343 कैन बी रिटन एज 7³। मैंने इस नंबर को चेंज करके ऐसा लिखा। ओके, हमको कोशिश ये करना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, इस सर्ट का जो ऑर्डर है और ये पावर सेम आए। ओके, 16 को मैं 4 स्क्वायर भी लिख सकता था। ओके, बट इसके सिमिलर रखने से कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। 18 इंटू फिफ्थ पावर ऑफ 243 कैन बी रिटन एज 3 to the power 5 माइनस रूट ओवर 196 को हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर। ओके, नाउ अब ये जो रेडिकल फॉर्म है, एक्चुअली सपोज ये मेरे पास कोई रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ ऐसा। ठीक है, रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैं बस ऐसे ही चेंज करने वाला हूँ यहाँ पे, 2 to the power 4 नो होल टू द पावर 1/4 माइनस 6 इंटू दिस कैन बी रिटन एज 7³ इंटू 1/3 प्लस 18 3 to the power 5 इंटू 1/5 14 स्क्वायर इंटू 1/2। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है इसका मतलब इसका ऑर्डर 2 है और आप यहाँ पे रेसिप्रोकल 1/2 लिखेंगे। क्लियर। अब इन पावर्स को मैं कैंसिल कर सकता हूँ बिकॉज इनका मल्टीप्लीकेशन है। 3 और 3 कैंसिल आउट, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज वी नो दैट व्हेन एक्स टू द पावर एम एंड दिस एम इज मल्टीप्लाइड बाई एन, अगर इस फॉर्म में है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। सो फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं वो हैं 2 माइनस 6 इंटू 7 प्लस 18 इंटू 3 माइनस 14। सो 2 माइनस 42 प्लस 54 माइनस 14। सो 2 प्लस 54 पॉजिटिव टर्म्स एक साथ रखा मैंने, माइनस 42 माइनस 14 और दिस विल बिकम 56। माइनस 42 माइनस 14 इज अगेन माइनस 56। सो फाइनल आंसर इज 0। सो ये जो एक्सप्रेशन गिवन था उसकी वैल्यू आ रही है 0। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो इन दिस क्वेश्चन, ये भी एक्सपोनेंट पर बेस्ड है, इस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 to the power x plus 1 इज इक्वल टू, अगेन √25 को मैं लिख सकता हूँ। दिस 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर और ये रूट का साइन अगर हम हटाएंगे तो उसको मैं ऐसा लिखूँगा। ठीक है, तो √25 को तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये जो पावर है उसे लिखेंगे 3x-1। ओके, सो 5 to the power x plus 1 इज इक्वल टू देन 5² होल टू द पावर 1/2। तो इन दोनों पावर्स का इंटू होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे इसे, देन होल टू द पावर 3x-1, ये पावर्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। और 5 to the power x plus 1 इज इक्वल टू 5 to the power 3x-1। ओके, एंड वी नो दैट इफ एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, अगर बेसिस इक्वल हैं तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन से एम इज इक्वल टू एन। तो सेम केस यहाँ पर, यहाँ पर बेस सेम दिख रहा है हमको, दोनों के पावर्स को इक्वेट करेंगे, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3x-1। ओके, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते हैं, 1 + 1 इज इक्वल टू 3x-x, इस x को मैंने RHS में शिफ्ट कर लिया राइट हैंड साइड में, देन 2 इज इक्वल टू 2x, देन फाइनली 2/2 इज इक्वल टू x एंड वी हैव वैल्यू ऑफ x 1। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्सपोनेंट पर बेस्ड है और हमें इसे LHS को RHS के इक्वल लाना है, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मुझे वैल्यू लानी है 7/10। ओके, तो जब इसको आप देखते हैं तो यहाँ पर हर एक टर्म में
आपको 2 to the power 28 कॉमन दिख रहा है, देखिए कैसे 2 to the power 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 28 इंटू 2 square, बिकॉज बेस सेम है, पावर्स को मैं ऐड करूँगा तो 30 आ जाएगा, प्लस 2 to the power 29 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 28 इंटू, ओके अगेन 29 आ सकता है, थर्ड टर्म है 2 to the power 28, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। डिनोमिनेटर दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power 29 इंटू 2 square, देन दिस 2 to the power 30 कैन बी रिटन एज 2 to the power 29 इंटू 2 to the power 1 माइनस 2 to the power 29। वी आर सॉल्विंग हियर LHS, ओके। अब इस न्यूमरेटर में 2 to the power 28 मुझे तीनों टर्म में दिख रहा है, सो वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम ऑल 3 टर्म्स, सो 2 to the power 28 आपने बाहर कॉमन ले लिया, सो फाइनली वी हैव 2 square, ओके ये बाहर चले गया, 2 to the power 1 प्लस ये कंप्लीट टर्म बाहर आ चुका है, देन वी विल हैव 1, ओके। यहाँ पे डिनोमिनेटर में तीनों टर्म में हमको 2 to the power 29 कॉमन टर्म दिख रहा है, तो उसको बाहर ले लो, सो अगर ये कॉमन निकल गया सो फाइनली वी हैव 2 square प्लस 2 to the power 1 माइनस 1, ओके। देन और सॉल्व करेंगे 2 to the power 28 अपॉन 2 to the power 29, ओके ये हो जाएगा 1/2। देन इस न्यूमरेटर में इधर 2 square इज 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन इन डिनोमिनेटर 4 प्लस 2 माइनस 1, सो फाइनली न्यूमरेटर में सॉल्व करने से आपके पास 7 आएगा और डिनोमिनेटर को जब सॉल्व करोगे 6 माइनस 1 दिस विल बी 5, सो फाइनली वी हैव 7/10। यही RHS हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोएस्ट टर्म था यहाँ पर 2 to the power 28, मैंने इन पूरे टर्म्स को उसी के फॉर्म में लाया और कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में जो लोएस्ट पावर दिख रहा था मुझे वो 29 दिख रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्प्लिट किया और 2 to the power 29 कॉमन लिया और बहुत ईजिली सिंप्लीफाई किया और इसे सॉल्व हो जाता है ऐसा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ x इज इक्वल टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में इससे मिलते जुलते क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव वैल्यू ऑफ x, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो x का वैल्यू है हम वहाँ से 1/x फाइंड करेंगे, व्हाट विल बी 1/x, 1/3 + 2√2, बट दिस इज नॉट द, दिस कैन नॉट बी टेकन एज द फाइनल वैल्यू ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रेशलाइज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 - 2√2, ओके, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आप दोनों प्लेस में 3 - 2√2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे, 3 + 2√2, 3 - 2√2, दिस विल बी 3² - 2√2² ओके। इन न्यूमरेटर 1 इंटू दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन दिस विल बिकम 3 - 3 - 2√2। मैंने प्रीवियस वीडियो में रैशलाइज करना सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ओके। सो 1/x इज इक्वल टू 3 - 2√2 होल डिवाइडेड बाय 9 - 2√2² 2 square इज 4, √2² इज 2, सो 4 × 2 = 8, सो इट विल बिकम 9 - 8, सो 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 1, सो 1/x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3 - 2√2, ओके। बट हमें फाइंड करना है √x + 1/√x का वैल्यू, ओके। सो √x + 1/√x, मैं इसका स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूँ, सो √x + 1/√x होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज √x² + 1/√x² + 2 × √x × 1/√x, क्लियर। a + b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपैंड किया, ओके। देन
रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स, वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर इज वन बाई एक्स प्लस रूट एक्स यहाँ से कैंसिल होगा, आपके पास टू बचेगा. ओके देन यहाँ पर हम एक्स और वन बाई एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो एक्स का वैल्यू तो थ्री प्लस टू रूट टू, वो डाल दो यहाँ पे, थ्री प्लस टू रूट टू मैंने एक्स की वैल्यू पुट की, प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पुट करना है आपको, एंड वन बाई एक्स का वैल्यू हमारे पास थ्री माइनस टू रूट टू, सो थ्री माइनस टू रूट टू ये डाला प्लस टू. तो ये जो वैल्यू आ रही है ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू आ रही है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर की. ओके सो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री प्लस थ्री सिक्स. ओके टू रूट टू पॉजिटिव है, टू रूट टू यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, थ्री प्लस थ्री सिक्स हो गया प्लस टू, सो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, सो वील हैव टू टेक स्क्वायर आउट ऑफ बोथ द साइड्स. सो टेकिंग स्क्वायर आउट ऑफ बोथ द साइड्स विल हैव रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एट, एंड दिस रूट एट कैन बी रिटन एज टू इंटू टू इंटू टू विच इज फाइनली रिटन एज टू रूट टू. ओके सो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू टू रूट टू, इज दैट क्लियर?